पीरियड के दौरान सेक्स करने में क्या फायदा है क्या नुकसान, सेक्स करना भी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि आपको पीरियड के दौरान सेक्स करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए और कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई मीन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि पीरियड के दौरान सेक्स करने के फायदे हैं क्या नुकसान, आपको सेक्स करना चाहिए भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं और क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीरियड के टाइम पर सेक्स करना सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, बट आप सही तरीके से अगर करते हो तो। लेकिन दोनों पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, दोनों पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, ओके। अगर किसी एक की भी इच्छा नहीं है तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर एक की भी इच्छा नहीं है तो, ओके। तो अगर दोनों पार्टनर की सहमति है तो फिर सेक्स करना सही माना जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान जो है वो मैं बताऊं, पहले हम फायदे गिन लेते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने में क्या फायदे हैं। पीरियड के दौरान अगर आप सेक्स करते हो, जो महिलाएं हैं ओके जिनके पीरियड स्टार्ट है, तो उनको जो दर्द होता है पीरियड के टाइम पे, आपको पता है पेट में दर्द होता है हल्का, किसी के बहुत ज्यादा होता है किसी कम होता है, ओके। तो पेट में दर्द होता है तो अगर सेक्स करते हो तो उससे फायदा हो सकता है, उससे वो दर्द में राहत मिल सकती है। क्योंकि जब सेक्स करते हो तो गर्भाशय जो है वो सिकुड़ता है, तो उसकी वजह से वो दर्द में आपको राहत मिल सकती है। तो अगर पीरियड के दौरान आप सेक्स करते हो तो आपके जो पीरियड के दौरान जो दर्द होता है वो उसमें आपको राहत मिल सकती है। जिन लेडीजों का लुब्रिकेट नहीं बनता है या फिर कम बनता है तो पीरियड के दौरान सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल लुब्रिकेट होता है। जो पीरियड का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो एक नेचुरल लुब्रिकेट होता है, तो वो आपका लुब्रिकेट का काम करेगा और आप फिर सेफली सेक्स कर सकते हो। जिसमें अगर इच्छा है, मन है, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। पीरियड के दौरान काफी महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है, तो अगर आप सेक्स करते हो तो हमारी बॉडी में से, महिलाओं की बॉडी में से ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है, जो प्लेजर स्ट्रेस को सक्रिय करता है, जिसके वजह से आप तनाव से दूर रह सकते हो, आपके थोड़ा चिड़चिड़पन है वो दूर हो सकता है। अगर ये चीज में फायदा मिल सकता है और आप सेक्स करने की इच्छा रखते हो उस टाइम पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पीरियड के दौरान भी सेक्स कर सकते हो। अब हमने जाना कि पीरियड के दौरान सेक्स करने के फायदे, आप फायदे जाने हैं तो नुकसान भी जानेंगे कि पीरियड के दौरान सेक्स करने के नुकसान क्या होते हैं। पीरियड के दौरान अगर आप सेक्स करते हो तो आपको पता है कि ब्लड निकलता है, तो बेडशीट वगैरह गंदी हो सकती है, तो उसके लिए आप अलग से बेडशीट, जो आपके बेकार बेडशीट हो, जो आप मतलब वॉश कर सकते हो, अलग से बेडशीट बिछा सकते हो, मतलब अपने उस पे बेड पे बिछा सकते हो, और एक अलग से बेडशीट आपको बिछानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय पर आपके बेडशीट गंदी हो सकती है, आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, और आपके पार्टनर के ऊपर या फिर आपके ऊपर वो जो ब्लड है वो भी लग सकता है। अगर आपके पार्टनर को ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो फिर उस दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ से थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा फील होता है, तो ये अजीब सी फीलिंग है कि ब्लड जो है आपके ऊपर लगेगा, आपके पार्टनर के ऊपर लगेगा, आपकी बेडशीट पर लगेगा, कपड़ों पर लगेगा, तो ये अजीब सी फीलिंग है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर ये चीज़ सही नहीं है और आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर पीरियड के दौरान आप सेक्स करते हो तो एक नुकसान ये भी है, क्योंकि पीरियड के टाइम पर जब पीरियड का जो ब्लड होता है उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, गंध आती है, जो काफ़ी गंदी लगती है, ओके। अगर आपके पार्टनर को या आपको ये गंद स्मेल पसंद नहीं है फिर उस टाइम पे आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से खुशी ना मिले वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। चाहे आपकी इच्छा है और आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है, उस ब्लड के जो स्मेल होती है वो उसको पसंद नहीं करते, तो फिर सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की अगर मर्जी है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा, अगर एक की इच्छा नहीं है तो अनकम्फर्टेबल फील होगा। अगर आप कम्फर्ट फील नहीं करते हो उस दौरान तो फिर इसमें कोई फायदा नहीं है, आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। एंड एक नुकसान ये भी है, पीरियड के दौरान अगर आप सेक्स करते हो तो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर आप पीरियड के दौरान सेक्स करते हो तो आपको कॉन्डम पहनना पड़ेगा एंड आपके पार्टनर को कॉन्डम पहनना पड़ेगा, और बिल्कुल सफाई के साथ में सेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीरियड के दौरान सेक्स करते हो
तो इन्फेक्शन लगने का खतरा बहुत होता है, चाहे आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन लग सकता है और आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो उस दौरान पे ये खतरा हो सकता है। अगर आप अच्छे से हर चीज़ सेफ्टी से करके सेक्स करते हो और आप दोनों राजी हो तो उस दौरान सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, कंफर्ट नहीं हो, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये थी वीडियो गाइज कि सेक्स करने क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आई होप आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो गाइज अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो कर देना एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ अलग और नया करने का। यार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे जरूर हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। की वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।